पुरानी कार लेते टाइम आपको चार पांच चीजें जो हमेशा ध्यान रखनी चाहिए लेकिन लोग उन पर ध्यान नहीं देते हैं, तो आपको किन किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए उस वीडियो के ऊपर हम बात करने वाले हैं। चलिए गाइस आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं अभी आपको ये नहीं बताऊंगा कि भाई कार की कंडीशन कैसी होनी चाहिए, कार आपकी अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए, ये होना चाहिए वो होना चाहिए। जो आपको लीगल चीजें हैं ना वो ध्यान में ज्यादा रखनी चाहिए। अगर आप एक कार बाय कर रहे हो सेकेंड हैंड मार्केट से तो आपको सबसे पहले ध्यान रख लेना चाहिए कि वो कितने ओनर कार है, यानी कितने ओनर आपसे पहले रह चुके हैं उस कार के। आपको सबसे ज़्यादा ध्यान ये देना है कि आपको सिर्फ कोरे कागज़ पे स्टैम्प पेपर पे लेके कार को नहीं लेनी है, कार अपने नाम करा लेनी है। अगर आपको नहीं पता कि कार कैसे नाम कराते हैं, 700-800 या 1000 रुपये के अंदर आप अपनी कार को अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवा सकते हो बिना किसी वकील को पैसे दिए गाइस। तो सबसे पहले आपको यही करना है कि देखना है कितने ओनर उसके पास है नहीं है, फिर आपको अपनी जो कार है उसको ट्रांसफ़र करवा लेना है अपने नाम पे। और ज़्यादा ध्यान ये देना है आपको कि ट्रांसफ़र करवाने के लिए सबसे पहले ये चीज़ें ध्यान रखो आप के जिस शहर में आप रह रहे हो उसी शहर की वो कार होनी चाहिए। अगर आप अदर शहर की लेते हो तो ट्रांसफ़र करवाने में जो खर्चा आता है वो थोड़ा ज़्यादा आ जाता है, तो इस चीज़ के ऊपर आप ध्यान जरूर देना गाइस। तो आ जाते हैं एक और नेक्स्ट पॉइंट पे, जिस पॉइंट के ऊपर लोग ज़्यादातर ध्यान नहीं देते हैं। लोग कहते हैं जिससे आप कार बाय करते हो तो वो कहते हैं कि भाई मैंने एक दो महीने पहले सर्विस करवाई है, मैंने अभी सर्विस करवाई है, मुझे इतना टाइम हो गया सर्विस करवाई। तो आपको किसी की भी बात नहीं सुननी। अगर आप थोड़ा इतना इन्वेस्ट कर रहे हो तो 2-3 हज़ार रुपये और अलग से आप इन्वेस्ट करो अपनी कार के ऊपर, यानी कार की सर्विस कराओ एट अ टाइम गाइस। लेके कार जब भी ले रहे हो बाय कर रहे हो तो आप कार की सर्विस करवाओ पूरी फुल सर्विस। ये नहीं कि आपने इंजन की सर्विस करवाई थी, गियर ऑयल ब्रेक ऑयल आप सारे जितने भी ऑयल है सब कुछ चेंज करवा दो। ऑयल चेंज करवा देने के बाद आपको ब्रेक शू वगैरह भी चेक कर लेना, अगर ब्रेक शू है तो ठीक है, नहीं तो भाई उसको पूरा चेंज करवा दो या पूरा नया डलवा दो, क्योंकि ये चीज़ें होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कार के अंदर। अगर आपने नहीं चेक करी तो प्लीज़ आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार कार की सर्विस ज़रूर करवाएं। अगर आप कार सेकेंड हैंड मार्केट से बाय कर रहे हो, किसी से भी बाय कर रहे हो, अगर आपको पता है कि हाँ भाई उसने इतने टाइम पहले करवाई है सर्विस वो अलग बात है, लेकिन आपको पता ही नहीं है तो प्लीज़ कार की सर्विस ज़रूर से ज़रूर करवाएं। अब आते हैं उस पॉइंट के ऊपर जिस पॉइंट के ऊपर आपको आना चाहिए गाइज। अगर आप कार बाय कर रहे हो अब देखो आप कंडीशन कैसी है। अगर आपको लगता है कि कार की कंडीशन बाहर की तरफ से एकदम अच्छी कंडीशन है, फिर उसके इंजन की कंडीशन भी जान लेनी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने इंजन की कंडीशन जानने के लिए मैंने बहुत सारी कई वीडियोस मैंने बना रखी है जो कि आपको आई बटन पे जाके मिल जाएगी, नहीं तो आपको मेरे चैनल पे जाके विजिट कर लो, कार से रिलेटेड आपको पूरी वीडियोस मैंने बना के रखी है आपको मिल जाएंगी, या मैं डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक डाल दूंगा कि कार की इंजन को कैसे पता करें कि कार का इंजन बेस्ट है या नहीं है। तो कंडीशन और इंजन की परफॉर्मेंस ये बाद में चेक करना, पहले लीगल जो चीज़ें हैं उन पे ज़्यादा ध्यान देना कि ये ट्रांसफ़र हो सकती है नहीं हो सकती है, होगी तो कितने पैसे खर्च होंगे, इससे पहले इसका इंश्योरेंस वगैरह करा रखा है नहीं करा रखा, वो जानना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इंश्योरेंस वगैरह भी टाइम टू टाइम नहीं होता तो कार की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है, तो ये चीज़ें जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आते हैं एक और आखिरी पॉइंट जो कि लास्ट पॉइंट और सबसे बेस्ट पॉइंट है आपको ध्यान देने वाला है, वो है कार की व्हील बैलेंसिंग या व्हील अलाइनमेंट करवाना, जो कि लोग ध्यान इस पे नथिंग देते ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं देते। तो आपको कार लेते टाइम एक बार उसकी व्हील बैलेंसिंग और व्हील अलाइनमेंट जरूर करवा लेनी है। क्यों करवा लेनी है वो आपको मैं बता देता हूँ। व्हील अलाइनमेंट जो करवाना ज़रूरी है वो इसलिए है कि जब कार की हम सर्विस करवाते हैं उससे हमारे जो टायर हैं कहीं से कम घिसे होते हैं, कहीं से ज़्यादा घिसे होते हैं, तो उसकी वजह से गड्ढों में दचकियों में कार भगाते हैं, तो आपको वो नहीं पता चल पाता। तो आपको व्हील बैलेंसिंग और व्हील अलाइनमेंट जब करवा लोगे तो आपकी कार एकदम स्मूथ चलेगी, एकदम बैलेंस होके चलेगी। तो ये आपको ध्यान रख लेने हैं जो कि मैंने 4-5 पॉइंट आपको बताए हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी, तो वीडियो को गाइस लाइक जरूर कर देना। इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। इस तरह की मैंने बहुत सारी अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियोस बना रखी है, एक बार जाके चेकआउट जरूर कर लेना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके टाटा बाय बाय।